हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आज आपके चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये एक्चुअली हमारे जो DRDO इंस्टीट्यूशन है उसकी एक महत्वपूर्ण सफलता, जैसे कि हम जानते हैं कि अर्जुन टैंक जो हमारा मुख्य बैटल टैंक है, जिसे आर्मी में सक्सेसफुली इंक्लूड किया जा चुका है, और ये जो टैंक है इसको हमने आर्मी के अंदर 2004 में इंक्लूड किया था। तो अर्जुन टैंक जो है वो आर्मी के साथ में मैन बैटलफील्ड के तौर पे जाएगा, तो वहाँ पे उसके लिए बहुत आवश्यक है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी हो जो दुश्मन के जो टैंक है उसको निशाना बनाए और बिल्कुल सक्सेसफुली और एफिशिएंटली उसको निशाना बना सके दुश्मन के टैंक को। तो इसके लिए आवश्यक था कि एक लेज़र गाइडेड सिस्टम जनरेट किया जाए, लेज़र गाइडेड सिस्टम जिसको ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम जनरेट किया जाए, जिसको टैंक के ऊपर माउंट किया जा सके, जो न बल्कि अटैक कर सकेगा और साथ ही साथ जो दुश्मन के टैंक है उनको भी निशाना बना सकेगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सफलता है ऐसे टाइम पर जब हमारे दुश्मन देश हमें कई प्रकार से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, कई सेक्टर्स में, कई मल्टीपल लेवल पे एक प्रॉब्लम जनरेट क्रिएट कर रहे हैं, चाहे फिर वो पाकिस्तान हो या चाइना हो। उन्होंने कई लेवल पे हमारे साथ में अपने जो वॉर का टाइप की सिचुएशन क्रिएट की हुई है। तो इस ऐसे समय में यदि हम इस तरीके की सफलताएं साथ में लेकर आते हैं, जैसे कि हमें पता है कल भी DRDO ने अभ्यास मिसाइल जो सिस्टम है जो UAV सिस्टम के माध्यम से, जो ड्रोन सिस्टम के माध्यम से जो कल सक्सेसफुली उसका ट्रायल किया, उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट सफलता ये हमारे सिस्टम के लिए है। आइए देखते हैं इसके क्या पार्ट्स हैं, किस तरीके का अर्जुन टैंक है और किस तरीके का सिस्टम इसमें यूज़ में लिया गया है, वो किस तरीके से है वो आइए डिस्कस करते हैं। इसमें लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम यूज़ में लिया गया है। लेज़र क्या होती है? लेज़र बेसिकली एक लाइट होती है। इसके जो फुल फॉर्म होती है वो लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेशन होता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि फोटोन्स बेसिकली क्या होते हैं, लाइट जो होती है वो फोटोन्स की बनी होती है। तो फोटोन्स को एक जगह पे स्टिमुलेशन करके और उनका कलेक्शन किया जाता है, और जहाँ पे हमें टारगेटेड करना होता है, जहाँ पे हमें उसे पहुँचाना होता है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर एनर्जी के साथ वहाँ जाती है। तो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट लेज़र के माध्यम से हमें मिलते हैं। तो ये बहुत ही गाइडेड टाइप का सिस्टम होता है, बहुत हाईली टेक्नोलॉजिकल और हाईली एफिशिएंट सिस्टम होता है, जो हमारे DRDO ने सक्सेसफुली जो इसके पैरामीटर्स थे वो अचीव किए हैं। कि हमारी जो अहमदनगर की जो यूनिट है आर्म्ड कॉर्प सेंटर एंड स्कूल, उसके माध्यम से इसको DRDO के साथ मिलकर इसको यूज में लिया गया। बेसिकली ये है क्या, अर्जुन टैंक जो है उसके ऊपर ATGM एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल सिस्टम को माउंट किया गया। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, जैसे बॉर्डर मूवीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि जो सैनिक होता है वो अपने कंधे के ऊपर एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल सिस्टम रखता है, जिसके माध्यम से दुश्मन के टैंकों को निशाना बनाया जाता है। लेकिन चूंकि ये उसका एक एडवांस वर्जन है और इसको टैंक के ऊपर माउंट करके और फिर यूज़ में किया जाता है, तो इससे इसकी रेंज में भी काफ़ी वृद्धि हो जाती है। जो इससे पहले के जो वर्जन थे उसके अंदर रेंज काफ़ी कम होती थी, कुछ 100 किलोमीटर 200 मीटर्स की ही हो पाती थी, और जो प्रेजेंटली DRDO ने जो सक्सेसफुल ATGM किया है उसकी जो रेंज है वो 3 से 4 किलोमीटर तक की है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट उपलब्धि है कि इसकी जहाँ रेंज बढ़ी है, साथ ही साथ इसकी एफिशेंसी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया, क्योंकि इसमें लेज़र सिस्टम यूज़ में लिया गया था। अब इसके जो सक्सेसफुल ट्रायल के बाद में, अब ऐसा नहीं कि इसको डायरेक्टली आर्मी में इसको इंक्लूड किया जाएगा, इसके कई और टेस्ट किए जाएंगे, और टेस्ट के माध्यम से इसके अदर पैरामीटर्स को भी टेस्ट किया जाएगा, अदर डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट हाइट्स और डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज में इसका उपयोग किया जाएगा, इसका टेस्ट किया जाएगा, फिर देन फाइनली कुछ ट्रायल्स के बाद में इसको आर्मी में इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि ये पहली सक्सेसफुल ट्रायल था, इसके बाद में कुछ और टेस्ट होंगे और फिर देन इसको आर्मी में इसको इंक्लूड किया जाएगा। अब आइए अर्जुन टैंक के बारे में देखते हैं। अर्जुन बेसिकली, जैसे हमें पता है कि महाभारत का जो एक मुख्य पात्र था उसके नाम पर ही अर्जुन टैंक को बनाया गया है। सिमिलर वे जैसे कि अर्जुन के पास में आर्चर होता था, उसी प्रकार से अर्जुन टैंक में भी अपने दुश्मन को निशाना बनाने के लिए टैंक सिस्टम रहता है। और जो इसमें इंजन यूज़ में लिया गया वो 1400 HP का इंजन इसमें यूज़ में लिया गया, जिसकी स्पीड 67 किलोमीटर पर आवर के आसपास रहती है।
और चूँकि इसके भी कई टेस्ट हो चुके हैं, इसको इंडियन आर्मी में सक्सेसफुली इंक्लूड किया जा चुका है। बट जो 2010 में एक रशिया में एक कॉम्पिटिशन हुआ था, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी उस टाइम पे, किंतु उसको अब इम्प्रूव किया जा रहा है और इसके कई वर्जन भी अब आ चुके हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि चूँकि आत्मनिर्भर भारत के तहत हम इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को कम कर सकें, स्पेशली डिफेंस सेक्टर के अंदर, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में यदि हम दुश्मन के ऊपर या फिर कैसे ऐसे देश के ऊपर निर्भर रहें जो हो सकता है युद्ध के समय हमें इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड करवा पाए, तो ऐसी स्थिति में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को हम हमारे घर पे ही जनरेट कर सकें और इसका डेवलपमेंट किया जा सके। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि डिफेंस सेक्टर में रिसर्च को बढ़ाया जा सके और उसका एवोल्यूशन टाइम टू टाइम होता रहे। अर्जुन को 2004 में हमारे इंडियन आर्मी में इंक्लूड किया जा चुका है और 43rd आर्मर्ड रेजिमेंट है उसको इसका पार्ट बनाया जा चुका है। अब ये किस जो एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल सिस्टम यूज़ में लिया गया है, लेज़र बेस्ड है ये बेसिकली इंडिया और जो इसराइल का एक कोलेब्रेशन था उसके माध्यम से, एक लहत सिस्टम है उसके माध्यम से इस सिस्टम को डेवलप किया गया है। लहत बेसिकली क्या है, लेज़र होमिंग अटैक ऑन लेज़र होमिंग एंटी टैंक सिस्टम माफ़ कीजिएगा और इंटरप्शन के लिए। तो ये बेसिकली सिस्टम है जिसको लहत सिस्टम के माध्यम से डेवलप किया गया है। इस सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि ये एक 120mm के रिफल्ड गन है और अर्जुन टैंक के माध्यम से इसको माउंटेड करके इसको यूज़ में लिया गया है। और लहत ये गन लॉन्च मिसाइल सिस्टम है, जैसा कि हमने देखा कि जो एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल सिस्टम होते हैं वो भी इसी तरीके के ही होते हैं और इसी के ही डिपेंडेंट, इसी के ऊपर ही डेवलप इसका किया गया है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है लहत सिस्टम की, वो इस प्रकार से है कि 105mm एंड 120mm टैंक गन्स का इस पैरामीटर्स के अंदर जनरली इसका बनाया जाता है और इसका यूज़ पेट्रोल जो शिप्स होते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है, माउंटेड किया जा सकता है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो शिप्स होते हैं जैसे फ्रेगेट होती है, एक क्रूजर होती है, डिस्ट्रॉयर होता है, तो उनके ऊपर भी इनको माउंटेड किया जाता है ताकि कोई पायरेट्स हो या फिर दुश्मन सेना पर अटैक करना हो तो उस समय इन टैंक एंटी टैंक सिस्टम का यूज़ में किया जा सके। UAVs के ऊपर भी इसका यूज किया जा सकता है, वहाँ पे इसको अटैच किया जा सकता है। तो ये सारा सिस्टम बेसिकली लहत सिस्टम के बारे में है। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सफलता DRDO के नाम रही है, जो देश के लिए बहुत ही उपलब्धि वाली बात है। तो ये दिस वन द ऑल अबाउट DRDO's इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो हुआ है उसके बारे में आपको बताया गया है। तो ये सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से हमने बताने की कोशिश करी है। इसके अलावा जो भी कोई इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इस फील्ड के अंदर होगा हम उससे आपको परिचित कराते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे डिफेंस सेक्टर के अंदर। इसके अलावा आपको किसी टॉपिक के ऊपर, कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर किसी भी प्रकार का वीडियो बनवाना हो तो आप ज़रूर मैसेज बॉक्स के अंदर कमेंट करके हमें बताएं कि किस प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं, हम ज़रूर इस प्रकार का वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें यदि आपको पसंद आया हो तो, और प्लीज़ शेयर भी करें इसको अपने दोस्तों के साथ में। और इसी के साथ धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।